नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही मज़े से कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं इस वीडियो में आज आपको सिखाने वाला हूं त्रिकोणमिति के बारे में। दोस्तों, अगर त्रिकोणमिति के अगर आपको सवाल सीखने हैं तो उसके बारे में आप जीरो से सीखना पड़ेगा और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही जीरो लेवल से सिखाने वाला हूँ। अगर आपके पास कुछ ही समय आपके पास अगर है, अगर आपके पास थोड़ा भी समय है तो यार इस वीडियो को आपको देख लेना है कि ये जो बता रहा हूँ क्या समझ में मुझे आता है। और आपको वही वीडियो देखना है, उसी टीचर से पढ़ना है जिससे आपको समझ में आए। सवाल तो सेम ऐसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन पढ़ाने का जो तरीका होता है सभी का अलग अलग होता है। और मैं भी प्रयास करता हूँ त्रिकोणमिति के सवाल को सोल्व करने के लिए, कुछ आपको मदद करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, जब जब आपको ये प्रश्न आपको समझ में आए तब। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में मुझे बताना क्या है, त्रिकोणमिति है और इसकी शुरुआत जो होती है 8.1 से। और NCERT की जो न्यू बुक है इसमें कुछ चैप्टर हमारे कटे हुए हैं और जो चैप्टर कटे हैं मैं उनको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, ये मेरा पहला प्रश्न है तो हम पहला प्रश्न नहीं बताएंगे पहले, क्योंकि इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं। त्रिकोणमिति की शुरुआत कहाँ से होती है, जब तक वो मुझे पता नहीं होगी तो ये सवाल तो हम आसानी से नहीं लगा सकते हैं, ये हमें करना भी नहीं है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं बच्चों, त्रिकोणमिति के बारे में कैसे लगाना है, क्या सीखना है। बच्चों, त्रिकोणमिति में मुझे किसके बारे में सीखना पड़ता है, एक समकोण त्रिभुज के बारे में। तो मुझे एक समकोण त्रिभुज के बारे में सीखना पड़ता है बच्चों, किसके बारे में, समकोण त्रिभुज के। भाई समकोण त्रिभुज के बारे में मुझे सीखना है तो कैसे देखते हैं, ध्यान से समझेंगे, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ये मेरे पास क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कैसे कहते हैं, कहेंगे ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश होता है वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश होता है वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब इसकी जो इसकी भुजाएं हैं, इसके कोण हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास ए दिया है, ये हमारा बी है और ये सी है, तो कह सकते हैं इसमें जो कोण बी है वो समकोण है, मतलब बी पर हमारा 90 अंश का कोण बना है। अगर 90 अंश नहीं लिखा है, जबकि इस तरीके से अगर दर्शाया जाता है तो ये भी इसका मतलब होता है कि ये हमारा 90 अंश है। और 90 अंश वाली जो भुजा होती है बिल्कुल हमारी सीधी होती है, बिल्कुल सीधी होती है, इसका मतलब हम पहचान जाएंगे इस पर ये 90 अंश है, अर्थात ये समकोण दिया है। और समकोण त्रिभुज के समकोण जो होता है, समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, ये भी आपको याद कर लेना है। ये जिसमें 90 अंश, जिस कोण पर 90 अंश बना होता है, 90 अंश यहाँ दर्शाया नहीं जाता है, लेकिन मुझे पता है ये चिन्ह जो दिया है इससे हम पहचान गए कि हमारा समकोण है। और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण कहलाती है। और जिस भुजा पर 90 अंश बना होता है उसे हम लंब कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लंब कहते हैं। आपको आसानी से समझ में आ गया है, समकोण त्रिभुज के बारे में सीखना है, जिस पर 90 अंश बना होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और जिस भुजा पर हमारा 90 अंश बना होता है वो लंब। और ये हमारी जमीन में पड़ी है, जो हमारी पड़ी हुई भुजा होती है उसे हम आधार कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही कोण होते हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, तीन, और तीन है कोण, मतलब एक कोण हमारा ये हुआ ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी, तीन कोण है। जबकि भुजाएं मेरे पास एक दी है ए बी, मतलब ए से लगाकर बी तक की भुजा को हम ए बी कहते हैं। इसी तरीके से बी से लगाकर सी की भुजा को हम बी सी कहेंगे और एक हमारी ऐसी हो जाएगी। ये हमारी भुजाएं हैं, इनको पढ़ना आपको आ गया, कैसे पढ़ेंगे, कहेंगे ए बी, ए बी हमारी ए से लगाकर बी वाली, तो इसको हम कहेंगे ए बी भुजा हो गई ए, दूसरी भुजा हमारी बी सी हो गई, ये हमारी तीसरी भुजा है। ठीक है, कोण हमारा ए दिया, बी दिया और सी दिया, ये हमारे कोण, जो झुकाव होता है उसे हम कोण कहते हैं। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती, तीन कोण होते हैं, तो हम इसकी अगर तीन भुजाओं को अगर निकालना सीख गए, हमारे सवाल जो दिया जाएगा उस सवाल में दो भुजाओं के मान पता होंगे, तीसरी भुजा का मान मुझे निकालना पड़ेगा। जैसे ये मेरे पास समकोण त्रिभुज दिया है, अगर मुझे आधार पता है और लंब पता है तो मुझे कर्ण निकालना है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, उसकी सहायता से कर्ण अगर निकालना है तो कर्ण निकालने का फार्मूला सभी बच्चों को आता होगा, अगर नहीं आता है एक बार देख लेंगे। कर्ण निकालने का फार्मूला होता है, लिखेंगे अंडर रूट, चाहे एक साथ अंडर रूट लगा दे सकते हैं और चाहे इसको स्क्वायर के रूप में लिखकर बाद में रूट कहेंगे, भाई
एक कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। ये अगर हमें कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लग जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी किसी सवाल में क्या होता है, कर्ण हमारा दिया जाएगा लंब नहीं दिया जाएगा, तब कैसे करेंगे, तो हमें लंब निकालना है तो लंब वाला सूत्र लगा देंगे, कहेंगे अगर लंब निकालना तो लिखेंगे लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर और माइनस का हमारा क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर लंब निकालना है तो हम इस सूत्र का यूज करके हम लंब वाली भुजा को आसानी से निकाल देंगे। त्रिभुज में जब भी सवाल दिया जाएगा, त्रिकोणमिति में जब भी सवाल दिया जाएगा तो दो भुजाओं के मान मुझे पता होंगे, तीसरी भुजा का मान मुझे निकालना है, और इन तीनों भुजाओं को निकालने के लिए मैं तीन सूत्र बता रहा हूँ। पहले तो कर्ण अगर निकालना है तो हम भाई ये सूत्र लगा देंगे, अगर लंब निकालना है तो ये लगा देंगे। ठीक है, अगर तुम्हें आधार निकालना है, आधार तो आधार निकालने का भी फार्मूला है, कहेंगे आधार निकालना है तो लिखेंगे आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर होता है। इन तीन सूत्र की सहायता से बच्चों हम क्या निकाल सकते हैं, ये भुजाओं के सारे मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जब हमें भुजाओं के मान निकालना आ गया तो हम सवाल तो आसानी से लगा सकते हैं। अब त्रिकोणमिति में कुछ हमारे पास त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं वो मुझे याद करने पड़ते हैं। जैसे एक होता है साइन, ये होता है SIN, इसे साइन कहते हैं। अब यहाँ पर कोण थीटा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ये हमारे क्लियर नहीं होता है, जैसा हमारा होगा वैसा वहाँ पर एक कोण होगा। ठीक है, ये साइन थीटा है। दूसरा हमारा क्या होता है बच्चों, कोस थीटा होता है, कोस थीटा होता है, चाहे ए लिख सकते हैं। और तीसरा होता है टेन थीटा। तो त्रिकोणमिति में तीन हमारे मान दिए हैं और तीन इसके उल्टे होते हैं, विपरीत। ठीक है, साइन का उल्टा हमारा क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, साइन का उल्टा कोसेक, COSEC, और ये थीटा लिखेंगे। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और टेन का उल्टा हमारा कोट थीटा। इसका मतलब त्रिकोणमिति में मात्र मुझे छः अनुपात मुझे याद करने पड़ेंगे, साइन का मान, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कोट, ये छः मान मुझे पता है और ये सूत्र पता है। हम त्रिकोणमिति के सारे सवाल को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो एक बार इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब ये नोट करने के बाद अब मैं जो मेरे पास प्रश्न दिया है, इस प्रश्न को इसी सूत्र की सहायता से सॉल्व करके बताने वाला हूँ। ध्यान से समझेंगे आप लोग, बिल्कुल प्रेम से आपको बताएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत आप लोगों को है ही नहीं। जैसे सवाल दिया है कि त्रिभुज ABC में जहाँ कोण B समकोण है, ये मेरे पास त्रिभुज दिया है और जिसमें हमारे पास क्या दिया है, B समकोण है। समकोण मैंने आपको बताया है कि त्रिकोणमिति में जब भी अगर सवाल सोल्व करना है तो एक समकोण त्रिभुज के बारे में बताया ही जाएगा। तो सबसे पहले हम एक बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बना लेते हैं बच्चों, एक मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया। क्या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सभी लोग बना सकते हैं। कहेंगे एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश होता है, वो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज है, और यहाँ मैंने बना दिया 90 अंश, इसी का नाम दे देंगे B, क्योंकि सवाल में दिया है कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC जिसमें B कोण समकोण है, समकोण का मतलब 90 अंश। अब इसके बाद में मेरे पास त्रिभुज B समकोण है, बाकी हमारे मान न्यून कोण होंगे, अतः इसका हम नाम A लिख सकते हैं, और यहाँ B है, यहाँ हम C लिख सकते हैं। जरूरी नहीं, अगर हम चाहते C यहाँ लिख सकते थे और A यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन B जो है वो 90 अंश यहीं रहेगा, क्योंकि सवाल में दिया है कि B हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब आपको पता है इस सवाल में मान भी दिए हैं, कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, जो हमारा AB है ये हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर, ये हमारा 24 सेंटीमीटर हो गया, और BC हमारा 7 सेंटीमीटर है, कितना है 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज में दो भुजाएं मुझे पता हो गई, और मैंने जो अभी फार्मूले तुम्हें लिखाए हैं उन फार्मूले के सहायता से इस भुजा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों इस भुजा को हम किस नाम से जानते हैं,
कहेंगे जिस पर ये हमारा इस कोण है बी पर 90 अंश बना है, समकोण है, समकोण वाली भुजा जो होती है सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। इसका मतलब मुझे कर्ण निकालना है, तो कर्ण का मुझे क्या कर देना है, फार्मूला लिख लेना है। कर्ण बराबर क्या होता है, कहेंगे अभी मैंने लिखा था कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बड़ा प्रेम से सॉल्व करेंगे, त्रिकोणमिति को आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, कर्ण इसमें कौन सी भुजा है, कहेंगे भुजा का नाम आपको पता है ए सी, या ए से लगाकर सी वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। तो कर्ण के जगह पर लिख सकते हैं ए सी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, बराबर में लंब इसमें कौन सी भुजा दी है, कहेंगे जिस पर 90 अंश बना होता है वो भुजा लंब होती है, तो इस भुजा का नाम होता है बी सी। तो मैंने इसका नाम दे दिया बी सी, दिया नहीं इसका है ही नाम बी सी भाई, प्लस आधार हमारा ए बी हो जाएगा, ये हमारा ए बी हो गया। इसके बाद में इसमें मुझे मान भर देने, ए सी स्क्वायर का मान मुझे निकालना है, तो इसको तो भाई सेम ऐसे ही लिखना है। बी सी का मान कितना है, बी सी का मान बच्चों कितना दिया, बी सी का मान दिया है इसमें 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 स्क्वायर, और ए बी का मान है 24, तो हमारा ये 24 स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा ए सी स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर मुझे निकाल लेना है। भैया जिस संख्या के ऊपर जिसे स्क्वायर लगा था यहाँ 24 के ऊपर, इसका मतलब मुझे 24 की गुणा 24 से कर देना है, 24 की गुणा 24 से करेंगे, 4 चक्कू 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, गुणा लगा देंगे 4 दूना 8 और 2 दूना 4, हमारा कितना हो गया 6 8 8 16 17 और हमारा 576 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, इसका मान जो है 576 आ गया। अब इनको हमें जोड़ देना है, ए सी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा बच्चों 625। अब बच्चों यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे, मुझे खाली ए सी भुजा का मान निकालना है, जैसे स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड में बच्चों अंडर रूट आ जाता है, तो अंडर रूट का मतलब वर्गमूल। अगर आप लोगों को वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि मुझे वर्गमूल निकालना नहीं आता है, तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से वर्गमूल भी निकालना सिखा दूंगा, जिसकी सहायता से बहुत ही कम समय में आसानी से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। आपको पता है ए सी जो हमारा है, ये हमारा 625 का वर्गमूल हमारा 25 होता है, तो भुजा हमारी ए सी हमारी कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं पता हैं, अब हम चाहें किसी भी संख्या का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे किसका मान निकालना है, अब भाई त्रिभुज में भुजाएं सारी पता हो गई, ये मेरे पास 25 सेंटीमीटर आ गई, ए बी है बी सी है, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हों, तीनों भुजाओं का मुझे मान पता हो गया। अब हम सवाल लगाएंगे साइन ए कॉस ए का मान, और इसके बाद में मुझे निकालना है साइन सी और कॉस सी का मान। जिन बच्चों ने इसको अभी लिखना चाह रहे हैं तो उनको वो लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से मिटाल देते हैं भाई। अब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें लिखना है साइन, साइन ए का मान निकालना है बच्चों। भाई साइन ए का मान तुम्हें निकालना है ना, साइन ए निकालना है, साइन ए। तो भैया साइन ए का फार्मूला क्या होता है, तो आपको क्या करना है, एक बहुत ही मशहूर फार्मूला है जिसको हम लाल बटे कक्का नाम से जानते हैं, इसको मुझे याद कर लेना। और इसका यूज कैसे करते हैं सब कुछ बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना है कि लाल बटे कक्का यल ए यल, ये लाल हो गया, के के ए, ये लाल बटे कक्का हो गया, इसका यूज करेंगे तो सब सारे मान आसानी से निकल जाएंगे। यल का मतलब बच्चों लंब होता है, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, मतलब यल होगा लंब, ए का मतलब आधार हो जाएगा। अब जो हमारी ये पहली जो लाइन है सीधी वाली, मतलब यल बटे के, ये भैया साइन की मान है। साइन अगर निकालना है तो कहेंगे साइन का, अगर तुमसे कोई फार्मूला पूछे कहेंगे यल बटे के, यल का मतलब लंब, और ये जो चिन्ह होता है लाइन का इसको हम बटे की बोलते हैं, अनुपात होता है, कहेंगे लंब बटे
कर्ण हो। तो साइन का मुझे फार्मूला लिखना था, तो साइन का फार्मूला लिखने के लिए मुझे करना क्या था, फार्मूला लिख देंगे क्योंकि एल बटे के होता है, तो भैया लंब बटे कर्ण लिख देंगे, लंब और बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ध्यान से बिल्कुल समझेंगे, सवाल तो बहुत ही आसान होते हैं। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, क्योंकि ये हमारा जो पहली लाइन होती है वो साइन की होती है, लेकिन ध्यान रखना है साइन के साथ में कोण कितना आया, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। साइन के साथ में कोण आया है ए, जब कोण साइन के साथ में आता है तो इसमें देखना ए कहाँ है, ये भाई इधर दिया है, जब ए दिया है तो इसके सामने वाली भुजा लंब ही मानी जाती है। क्या मानी जाएगी, अगर साइन के साथ में क्या दिया बच्चों, ए दिया है, तो जहां भी कोई भी कोण हो जिसका मान निकालना है उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और जो बटे में नीचे होगी उसी भुजा को हम आधार कहेंगे। तो भैया लंब इसमें कितना हो जाएगा, सात। तो साइन ए लंब के जगह पर हम क्या रख देंगे, सात रख देंगे, और कर्ण हमारा सेम रहेगा, ये कभी भी नहीं बदलता है। तो इस तरीके से साइन ए का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप कॉस का निकालेंगे, तो भैया कॉस का भी फार्मूला कौन सा होता है, कहेंगे जो दूसरी लाइन होती है, ये दूसरी लाइन, इसको हम कहते हैं कॉस का फार्मूला। कहेंगे कॉस का फार्मूला ए, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। तो मुझे निकालना है कॉस ए का फार्मूला, मान निकालना बच्चों, तो पहले तो हम कॉस ए का फार्मूला लिखेंगे, लिखेंगे कॉस बराबर होता है आधार बटे मां कर्ण, आधार बटे मां कर्ण लिख देंगे, आधार और बटे में हो जाएगा बच्चों कर्ण हो जाएगा। कॉस ए ऐसे लिखेंगे, और कोण हमारा जब ए दिया है तो भैया लंब ए हो जाएगा, जब लंब ए बचेगा तो ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा, तो आधार के जगह पर मुझे कितना कर देना है, 24, और कर्ण हमारा 25 है, वो लिख देंगे। साइन और कॉस ए का मान तो मैंने बहुत ही आसानी से निकाल दिया, आप इस सवाल को नोट कर सकते हैं। इसके बाद में मुझे निकालना है साइन सी और कॉस सी, इसमें डिफरेंस है, बड़ा ही ध्यान से समझना है, ठीक है, ये समझ में आ गया है। जो बच्चे ये प्रश्न, जिन बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया है वो बच्चों एक बार मुझे बता देना, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, इनको हम एक बार अच्छी तरीके से इन्हें हम मिटाल देते हैं, उतार लिया है आपने। अब मुझे निकालना किसका मान है, साइन सी का मान, ठीक, कहेंगे फिर से लिखेंगे साइन, अब की लिखना है साइन के साथ में कोण कितना है सी, सूत्र हमारा साइन का ही रहेगा, सी हो डी हो कोण बदल जाएगा, लेकिन ए वाले सूत्र हमारे बिल्कुल नहीं बदलते हैं, साइन है तो लंब बटे कर्ण ही रहेगा, कॉस है तो आधार बटे कर्ण रहेगा। अब इसके बाद में जो एक लाइन खाली पड़ी है तो इसका भी मुझे समझ लेते हैं, यहाँ लिखेंगे ये हमारा टेन का होता है, जबकि इसमें टेन का कोई, इस सवाल में टेन का कोई महत्व नहीं है, मैंने यहाँ बता दिया है, इसमें मात्र साइन और कॉस यूज होने वाले हैं, तो मैं मात्र यहीं तक बताऊंगा, ठीक है। अब ये साइन बराबर हमारा फार्मूला तो सेम रहेगा, कहेंगे क्या होता है, लंब और बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण, लंब और बटे में बच्चों कर्ण हो जाएगा, ठीक है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, समझना, यहाँ से प्रारंभ करेंगे, साइन के साथ में सी है, कोण कितना दिया है सी, तो त्रिभुज में कोण देखना है सी कहाँ है, कहेंगे भाई कोण ए हमारा सी दिया है, साइन के साथ में कोण सी है तो हम त्रिभुज में जाएंगे कोण सी कहाँ दिया है, उस सी के सामने देखना है कौन सी भुजा पड़ रही है, कोण सी के सामने भुजा कौन सी पड़ रही है, ए बी, तो कोण के सामने भुजा होती है वही हमारा लंब हो जाएगा, याद रखना है आपको। कहेंगे साइन सी है तो साइन सी के सामने कोण है, भुजा पड़ रही है हमारी 24, तो अब इसमें लंब हमारी भुजा कौन सी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कर्ण जितना था भाई वही रहेगा, कितना है 25, तो हम इसका मान सीधे 25 लिख देंगे, साइन सी का मान आसानी से निकल के आ गया, ठीक है। अब बचा है हमारा कॉस सी का मान निकालना है, तो इसी तरीके से हम कॉस सी का फार्मूला लिखेंगे, कॉस का फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन कोण सी हो चाहे डी है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस सूत्र में उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कॉस है तो कॉस का फार्मूला आधार बटे कर्ण होता है, तो हमें यहाँ पर लिख देना है आधार और बटे में लिख देंगे हम कर्ण लिख देंगे बच्चों, क्या लिख देंगे, बटे में लिख देंगे हम कर्ण, ठीक है। अब क्या करना है, कॉस ये हमारा सी हो गया, आधार इसमें कहेंगे कोण के सामने वाली भुजा जब लंब हो जाएगी तो भैया आधार ऑटोमेटिक कौन सी भुजा हो जाएगी, बीसी, तो हमें आधार के जगह पर मान कितना कर देना, सात,
कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं, कर्ण हमारा 25 रहेगा। इस तरीके साइन सी का मान भी निकाल दिया और साइन सी और कॉस ए के मान निकाल दिए थे और साइन ए और कॉस ए के मान हमने आसानी से निकाल दिए। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करना है, और जो बच्चे हाई स्कूल के हैं इस बार कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहे हैं और बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यार ये वीडियो उनके साथ भी आपको शेयर कर देना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।